नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर। फिलहाल जब आपको ये वीडियो मिल रहा है तब शुक्र मकर राशि में है। मकर राशि से कुंभ राशि में शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं 8 जनवरी को। 8 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक शुक्रदेव कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। कुंभ राशि शुक्रदेव की मित्र राशि मानी जाती है, क्योंकि कुंभ राशि जो है वो शनिदेव की राशि है। शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि शुक्र अपने मित्र के घर जा रहे हैं। शुक्रदेव का अपने मित्र के घर जाना, शुक्रदेव का अपने मित्र राशि में जाना, या फिर कहे शुक्रदेव का कुंभ राशि में जाना, आपके अलग अलग राशियों के लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है, आपका राशिफल क्या होगा इस राशि परिवर्तन की वजह से, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेष राशि से लेकर के मीन राशि के बारे में जानेंगे, समझेंगे, मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले मेष राशि के बारे में समझते हैं। देखिए, धन वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं, नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी यदि आप नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, ऐसे योग भी मुझे दिखते हैं। और जो भी आप कार्य करते हैं शुक्रदेव की इस राशि परिवर्तन की वजह से आपको सफलताएं उन सारे कार्यों में मिलेगी। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए भी यही बात कि नौकरी लगने के योग यहाँ पर मुझे बनते हुए नजर आते हैं। सुख सुविधाओं में वृद्धि आपकी हो सकती है, खास तौर पर जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो शारीरिक सुख सुविधाएं हैं, उनमें वृद्धि हो सकती है। कोई नया व्हीकल खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, कोई नई डील हो जो कि मकान को लेकर के हो, वो डील यहाँ पर पूरी हो सकती है, या ऐसी कोई प्लानिंग कर सकते हैं जिसमें आप कोई नया मकान खरीदे, या कोई महंगी वस्तु जो कि शरीर को सुख देती है वो उसमें आप इन्वेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। सेहत यदि लंबे समय से खराब थी तो शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन उस सेहत में भी सुधार करने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो अपनी बुद्धि से अपने भाग्य को आप बना लेंगे। चाहे आप जो भी कार्य करते हो, अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। भाग्य में वृद्धि होने के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। भाग्य में यदि वृद्धि होती तो आप जो भी कार्य करें आपको सफलताएं मिलती चली जाती है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि के जातकों की बात करें तो भाई आपके लिए जो वक्त है थोड़ा सा चिंता देने वाला हो सकता है, तनाव देने वाला हो सकता है। वाद विवाद के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं और खर्च के योग भी ज्यादा बनते नजर आते हैं, तो इन चीजों पर ध्यान देने की आपको ज्यादा जरूरत है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो प्रेम प्रसंग या फिर पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं तनाव मतभेद के योग दिखते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आपके दोस्तों से भी मतभेद हो जाए या वाद विवाद की स्थिति बन जाए, जिस पर भी आपको काबू पाने की ज़रूरत है, और खर्च भी आपका यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। कार्य की अधिकता मुझे बनती हुई नज़र आती है, मेहनत ज़्यादा आपको करना पड़ेगी। सिंह राशि के बाद कन्या राशि के जातकों की बात करें तो देखिए स्थानांतरण के योग यहाँ पर दिखते हैं, यात्राओं के योग भी दिखते हैं, और खास तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको यहाँ पर रखने की ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज स्वास्थ्य जो है उतार चढ़ाव में, डावाडोल में हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का जरूर से ध्यान रखें। कन्या के बाद तुला राशि के जातकों की बात करें तो बौद्धिक क्षमताओं में यहाँ पर मुझे वृद्धि होती हुई नजर आती है। डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग दिखता है, मेमोरी जो है वो और ज्यादा शार्प होती हुई नजर आती है। आय में भी वृद्धि होती है, धन में भी वृद्धि होती हुई दिखती है। तो ओवरऑल आप जो भी कार्य करते हैं, इवन यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो ओवरऑल आपके लिए मुझे यहाँ पर सफलता बनती हुई नजर आ रही है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए भी एक बात कहूंगा कि नौकरी लगने के योग हैं, लेकिन स्थानांतरण के योग भी हैं। लेकिन सफलताकारी ये जो समय है आपके लिए रहने वाला है। आप जो भी कार्य करते हैं, जिस भी काम में आप अपना 100% लगाते हैं, उस काम में आपको सफलता जरूर से मिल जाएगी। लग्जरी चीजों को लेकर के पैसे ज्यादा खर्च आप इस वक्त कर सकते हैं। खर्चों पर थोड़ा सा काबू पाने की जरूर से जरूरत रहेगी। हालांकि पैसा आता रहेगा, लेकिन सेविंग पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है इस बीच में। हो सकता है आपके पास कोई एक ऑलरेडी मोबाइल हो, मान लेते 15,000 का कोई मोबाइल है ऑलरेडी, आप सोचें कि यार मुझे 50,000 या 1,00,000 का मोबाइल चाहिए, तो उसमें आप इन्वेस्ट करने की सोचें। नहीं पास में पैसा है तो कुछ EMI वगैरह या लोन वगैरह लेकर के उसे फुलफिल करने का प्रयास करें। मेरा कहना यह है कि सेविंग पर ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है, लग्जरी लाइफ के प्रति आकर्षण ज़्यादा बढ़ेगा। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करें तो भागा दौड़ी ज्यादा बढ़ सकती है, मेहनत ज्यादा हो सकती है, कार्य की अधिकता आपको यहाँ पर ज्यादा लग सकती है, लेकिन सफलताएं भी आपको ज्यादा मिल सकती है। तो जो भी कार्य करते हैं बिल्कुल मेहनत करिए और सफल बनिए। धनु के बाद मकर राशि के जातकों की बात करें तो धन वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं, नौकरी लगने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। वाणी जो है बहुत ज्यादा सौम्य होगी और वाणी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। अपनी वाणी से आप दूसरों को अट्रैक्ट
जरूर कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखता है। आपके संबंध जो है और सुधार होंगे। देखिए, संबंधों में सबसे बड़ी बात होती है आपकी वाणी। आप कैसा बोलते हैं उससे आपके संबंध बनते हैं, चाहे वो आपके करीबी रिश्तेदार हो चाहे दूर के कोई लोग हो। तो आपकी वाणी चूंकि अच्छी होगी तो संबंध भी और ज्यादा मजबूत होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। कुंभ राशि के जातकों के बारे में एक शब्द कहूंगा और वो ये कि भाग्य में वृद्धि। भाई, भाग्य में वृद्धि कह दिया, इसका मतलब ये कि ऑल सारी चीजें जो है वो बेहतर होने वाली है। पढ़ाई करते हैं, एग्जाम दे करके रखी थी या देने वाले हैं, भाग्य में वृद्धि होगी तो उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। यदि आप नौकरी करते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, भाग्य में वृद्धि होगी तो प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल जाएगा। बिजनेस करते हैं, नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, भाग्य में वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी। और जो भी कार्य आप करते हैं, जिस भी कार्य करना चाहते हैं, भाग्य में यदि वृद्धि होती है तो कार्य में आपको सफलता मिल जाती है। आपके लिए इसी तरह का कुछ समय है। और फाइनली मीन राशि के जातकों की बात करें तो स्थानांतरण यहाँ पर होता है वो मुझे दिखता है, खर्च भी आपका ज्यादा होता हुआ नजर आता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, शेयर मार्केट भूमि में पैसा ना लगाएं, अदरवाइज लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के बारे में मैंने चर्चा की, मैंने आपको बताया राशिफल। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।